सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अभी अपने फार्म पे हैं, तो आज की इस वीडियो में अपने फार्म का कुछ अपडेट देंगे इन सभी एनिमल्स के बारे में, जो कि अपने फार्म पे हाल ही में ये गाय अपने बच्चे को जन्म दी थी, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था। और इसकी ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि ऑर्डर इसकी स्वेलिंग हो गई थी। तो वो स्वेलिंग तो अभी है ही, थोड़ा बहुत अभी ठीक हुआ है, जो कि मैंने बताया भी था क्या क्या यूज कर रहे हैं इसको देने के लिए। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं अपनी इस साइड वाली एनिमल से। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये अभी अपने फार्म पे बच्चे को जन्म दे दी है। अभी इसकी मिल्किंग की बात करें तो अभी 16 लीटर की समथिंग मिल्किंग है। और ये वाली गाय की अभी फीवर थोड़ी आ गई है। और इधर ये बछिया की भी, तो ये बछिया भी अभी नहीं खा रही है और ये वाली गाय भी अभी नहीं खा रही है, क्योंकि इसको फीवर थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये आज से इसको फीवर हुआ है, जो कि ये अपना भूसा दाना सारा कुछ छोड़ी हुई है, नहीं खा रही है। दिक्कत इस बात की है कि जैसे फीवर आती है तो इसकी सारा मिल्क वगैरह ख़त्म हो जाती है और थन भी पूरा सूख गया हुआ है, जो कि मिल्किंग भी अब डाउन होगी, कंफर्म है, क्योंकि फीवर आता है तो उस टाइम कुछ दिन मिल्क बहुत ही कम कर देती है, क्योंकि अंदर से पूरा बुखार रहता है तो मिल्क उल्क नहीं देती है। तो ये वाली गाय, इसको अब मेडिसिन वगैरह देंगे, हालांकि आज से इसको फीवर हुआ है। और इधर ये बछिया को भी इधर फीवर हो गया है, ये भी नहीं खा रही है। ये दोनों को आज से ही फीवर आया है, इसका मेडिसिन वगैरह देते हैं। अभी तो हम लोग इसको दिए हैं कुछ मेडिसिन। और इधर ये गाय, जो कि हाल ही में बच्चे को जन्म दी थी, मैंने बताया भी था और इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाया था, इसको कौन कौन सा मेडिसिन दे रहे थे वो सारा कुछ भी बताया था। और ये गाय, जो कि हाल ही में अपने फार्म पे नया लाया गया था पशु को ख़रीद करके, जो कि इसके ऊपर भी मैंने बताया था, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आई टैब पे है, जो कि इसकी पूरी प्राइस वगैरह भी उसमें बताया था और मिल्किंग वगैरह भी लाइव मिल्किंग करके दिखाया था कि कितना मिल्क हो रही थी इसकी। अभी भी ये 20-22 लीटर की समथिंग दे रही है। जो कि इधर वाली गाय सब की बात करें तो इसको अभी, ये रेड वाली को प्रेग्नेंट छोड़ दिया गया हुआ है, ड्राई में भी छोड़ दिया गया हुआ है, क्योंकि इसका 7.5 मंथ के समथिंग हो रहा है तो इसको ड्राई में छोड़ दिया गया हुआ है। और ये सेकेंड वाली गाय है तो ये अभी मिल्किंग कर रही है, 20-22 लीटर की समथिंग कर रही है, जो कि हाल ही में अभी बच्चे को जन्म दी थी। हाल ही में नहीं, हो गया, फिर भी इसका बछिया वहाँ पर दिख रहा है, वो रही उसके साथ खा रही है। और फिर इसको भी ड्राई में छोड़ दिया गया हुआ है, ये रेड वाली गाय को, दोनों रेड वाली काऊ को ड्राई में छोड़ दिया है गया हुआ है अपने फार्म पे। और इसका बात करें तो इसको भी एक टाइम पे थोड़ा सीरियस वाला प्रॉब्लम हो गया था, खाना पीना बहुत छोड़ दी थी और इसके कुछ दिन तक बैठी रह जाने के वजह से इसके पूरे ये सब पूरा सारा घाव हो गया था। इसके ऊपर भी वीडियोज मैंने बनाया था और इसको कैसे कैसे ठीक किया था। हालांकि इसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था एक टाइम पे, जो कि एक साइड 2-3 दिन तक बैठी ही रह गई थी, उसके वजह से इसके साइड में पूरा घाव हो गया था बहुत भयंकर वाला। तो इसको ठीक किया गया और अभी फ़िलहाल ये ठीक है और इसकी हेल्थ भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। तो ये अभी मिल्किंग दे रही है, ये भी अभी 18 लीटर के समथिंग मिल्किंग दे रही है। उस टाइम पे तो इसके साथ हुआ था कि इसका मिल्किंग भी सडनली पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि 2-4 दिन तक उठ ही नहीं रही थी। एक साइड एक पोर्शन पूरा सूना सा हो गया था और घाव भी पूरा बैठे बैठे एक साइड पूरा घाव सा भी हो गया था। उसके बाद इसको इस वाले शेड में लाया गया, जो भी फूस का शेड है उधर एल्वेस्टर के शेड से हटा करके
इसको इस साइड वाले शेड में लाया गया था इसको, और उसके बाद इसको मेडिसिन वगैरह चला। ये अभी अपनी हेल्थ में आ चुकी है, इसका हेल्थ अभी ठीक ठाक है, जो कि अभी इधर खा भी रही है। और इसकी बात करें तो ये अभी मिल्किंग कर रही है, अभी इसको दो तीन दिन पहले ही सीमन डाला गया है, जो कि इसको AI करवा दिया गया हुआ है। तो दो तीन दिन पहले सीमन डाला गया हुआ है, अभी ये मिल्किंग दे रही है। इसकी बछिया की बात करें तो यहाँ पे ये लोग भी खा रही है, तो इसकी बछिया ये है, तो ये सब भी खा रही है। बाकी अभी सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि ये बच्चिया को फीवर हो गया है, इसको थोड़ा मेडिसिन देना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा फीवर में दिख रही है क्योंकि कुछ खा भी नहीं रही है। और इधर ये गाय भी आज से फीवर में दिख रही है, इसको भी बुखार हो गया है। तभी डॉक्टर आ रहा है, थोड़ा इंजेक्शन इन लोगों को दिलवाना पड़ेगा, तो अभी डॉक्टर आ रहा है, इन लोगों को इंजेक्शन वगैरह दिलवाते हैं। अब ये लोग खा भी लिए, अब मिल्किंग करने का भी टाइम हो रहा है, शाम का 6 बज गया, 5:15 5:30 हो रहा है। तो चलिए जैसे डॉक्टर आते हैं, इन लोगों को कौन कौन सा इंजेक्शन दिलवा रहे हैं वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे।